Good morning, friends. My name is Amit Roila, and welcome to my YouTube channel, Unit Physics Classes. और आज की वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. डायमेंशन फॉर्मूले वाले चैप्टर में सभी बच्चों ने किया होगा 2π√L/g. अब वही टॉपिक हम डराइव करेंगे. एम क्या है? मास ऑफ द बॉल. एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम. ये हमारे पास है थीटा मैक्सिमम एंगल. ये है मीन लोकेशन, ये है मैक्सिमम लोकेशन. ठीक है, और अंदर की तरफ हमारे पास क्या बनेगा? टेंशन. अगर ये थीटा एंगल है, दैट मीन्स ये भी कितना एंगल होगा? थीटा. एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर. वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, एमजी बनेगा. तो यहां बन जाएगा हमारे पास में एमजी कोस ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस में कोस. तो हमारे पास यहां बनेगा एमजी साइन ऑफ थीटा. ठीक बात है. अब एक चीज सोच के देखो आप, टेंशन जो है वो बैलेंस होना चाहिए एमजी कोस से. अगर एमजी कोस थीटा ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स पेंडुलम टूट के गिर जाएगा. जो बॉब है वो भी नीचे गिर जाएगा. अब ये नहीं गिर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है, तो इसका मतलब टी जो है वो बैलेंस है एमजी कोस थीटा से. एज पेंडुलम इज बैलेंस्ड, दैट मीन्स एमजी कोस ऑफ थीटा इक्वल है टेंशन के. ठीक होगा, टी यहां क्या है? टेंशन. क्लियर. अब mg साइन थीटा जो है वो हमारे पास में कहां बन रहा है? फोर्स रीस्टोर करा रहा है पोजीशन को. और अगर रीस्टोर करा रहा है तो यहां ये जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स f इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा बन जाएगा. सही है, पक्का. अब थीटा की वैल्यू अगर कम हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिमूव कर देते हैं. क्या बनेगा? माइनस एमजी थीटा के इक्वल, नियरली इक्वल. रीजन लिखेंगे हम, इफ थीटा इज स्मॉल, एंगल की वैल्यू जब स्मॉल होगी तब. अब थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आर्क अपॉन में रेडियस. अब आर्क हमारे पास में क्या है? ये है. ठीक, रेडियस हमारे पास में ये है. हमने इस डिस्टेंस को कंसिडर किया एक्स, तो एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में एल, थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल. पुट कर दो, एफ आ जाएगा माइनस एम जी एक्स अपॉन में एल. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट. ऑल्सो वी नो एफ इक्वल टू माइनस के वाई होता था, बट वो वाई डायरेक्शन के लिए था. एक्स डायरेक्शन के लिए अगर लेंगे तो माइनस का के एक्स होगा. इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो फॉर्म इक्वेशन वन एंड टू क्या मिलेगा? माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन में एल. एक्स एक्स कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, के मिल जाएगा हमें एम जी बाई एल के इक्वल. के मिल गया आपको? यार हमारा काम भी इस चैप्टर में के की वैल्यू निकालना है. अगर के निकल जाएगा तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है. दिस इंप्लाइज टी इक्वल टू 2π√M/k होता फॉर्मूला, बाई एम एज इट इज 2π√M एज इट इज. के की वैल्यू कितनी आई है? पुट कर दो mg बाई एल, एम से एम कैंसिल, कितना मिलेगा? 2π√L/g. ये फॉर्मूला आपको मिल गया टाइम पीरियड का. टाइम पीरियड का अगर इनवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी, तो 1/2π√g/l. ये फॉर्मूला का हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी का. एक और चीज याद रखना, वन मार्क में क्वेश्चन आता कई बार, क्या चीज? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
1 सेकंड होता है और टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम 2 सेकंड होता है।